हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है भाई आपको एक और नई वीडियो में। तो आज फिर से हम नेक्सा शोरूम में खड़े हैं, जो मारुति का नेक्सा शोरूम आपको पता होगा, जो हम यहाँ नरेला में हैं। तो उसमें आज हम फिर से एक वीडियो बनाने आए हैं। पहले मैंने आपको फ्रॉन्क्स की वीडियो दिखाई थी इससे पहले, तो आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ एक मारुति सुजुकी बलेनो का बेस वेरियंट। तो इसमें सिग्मा वेरियंट आता है इसका। तो इसमें कितने फीचर्स हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसमें डिटेल्स वगैरह है, कितनी आपको पड़ेगी ऑन रोड वगैरह, कितना है शोरूम इसका, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा इसमें। और जो भी इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सारे आपको बताऊंगा, और ताकि जिससे आप अपना माइंड मेकअप कर सको कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। क्योंकि बेस वेरियंट मेरे हिसाब से सबके लिए नहीं होता, किसी किसी को अपनी नई गाड़ी से कुछ फीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें थोड़े फैंसी फीचर्स देखने को मिले। तो फैंसी फीचर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जरूरत के फीचर्स इसमें आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो ऐसी इस वीडियो में आपको आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलो भाई बात करते हैं अब गाड़ी की। तो गाड़ी की बात करें अगर फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको देखने को मिल रहा है बीच में एक मारुति सुजुकी का लोगो है। लोगो आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगा, और कोई भी इसमें ना ग्रिल में आपको क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलती। या बाहर से यहाँ पे इसको ग्रिल को या चेंज करा सकते हो, या फिर क्रोम लगा सकते हो इस पर, तो ये आपको पूरी टॉप मॉडल वाली फील देगा आगे से। ऐसा कुछ है यहाँ पे, आपको नंबर प्लेट की इसमें आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी। कोई भी अलग से इसमें जैसे फ्रॉन्ट्स में दे रखा था वैसे कोई अलग से उसमें बोर्ड सा नहीं है नंबर प्लेट के लिए, पर आपको देखने को मिल जाएगी पूरी ग्रिल आपकी। इसकी मैट ब्लैक है, नीचे भी आपको मैट ब्लैक आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो इसकी उसके लिए रेडिएटर के लिए। ऐसा कुछ है यहाँ पे, इसका एक हॉर्न दे रखा है, हॉर्न इसमें डुअल टोन है, दो हॉर्न इसमें दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है इसकी भी। नीचे अगर फोग लैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको हाउसिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन फोग लैंप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे बेस वेरिएंट है तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते बेस वेरिएंट से कि आपको फोग लैंप भी देखने को मिले। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको पूरा ही हैलोजन सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो हैलोजन सेटअप भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें ना प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा थ्रो हो जाता है प्रोजेक्टर बाहर। अगर आप LED वगैरह लगवाते हो तो फिर इसकी लाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है। नीचे आपको हैलोजन ही इसमें इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, हैलोजन ही इसमें पायलट लैंप है। तो ये कुछ बात होगी भाई इसकी फ्रंट से। और अगर साइड में आके बात करें इसकी, तो साइड में जैसे मैंने आपको बताया बेस वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट है, तो फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये मैं कहूँगा मारुति को थोड़ा आप इम्प्रूव कर सकते हो कि आप बेस वेरिएंट से अब इंडिकेटर यहाँ से हटा के आप इस पर देने लग जाओ RPM पे, जो कि काफ़ी अच्छी अपील दे देता है एक गाड़ी को, ठीक है। टायर साइज़ की इसकी बात करें तो टायर साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा इसमें 185/65 R15 15 इंच की इसमें आपको अलॉय नहीं स्टील रिम देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ आपकी इसकी सस्पेंशन देख सकते हो, सस्पेंशन काफ़ी मतलब कंफर्टेबल सस्पेंशन है इसकी, जो काफ़ी आपको अच्छी राइड देती है। ये कुछ है। और बात करते हैं कि विंडो लाइन की, तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलती, आप बाहर से लगवा सकते हो, यहाँ शोरूम से लगवा सकते हो एज एक्सेसरी पार्ट। तो ये कुछ है। और एक चीज़ और अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली, कि मेरे हिसाब से और लोगों को खैर कम पसंद आई है, क्योंकि जो इसके डोर हैंडल है ना वो ब्लैक देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं है, लेकिन मेरे को है ना काफ़ी अच्छी अपील देते हैं ये, कि इसके ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली। ऐसी बात है, इसमें कोई भी आपको पिलर ब्लैकआउट देखने को मिलता है, ऊपर के पेरेंट्स आप लेते हो तो आपको ब्लैक पिलर देखने को मिलते हैं, ऊपर आपको नॉर्मली आपकी डोर देखने को मिलती है, कोई भी एंटीना इसमें नहीं है। एंटीना की स्पेस आप बाहर से लगवा सकते हो, कंपनी से भी लगवा सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा आपको एज एक्सेसरी का पार्ट आप लगवा सकते हो। पीछे की बात करें तो बेस वेरिएंट से आपको देखो D4 देखने को मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, LED इसमें आपको है ना 4-point LED लाइट देखने को मिल जाएगी, और जो नीचे ब्रेक लगते हैं वो आपको हैलोजन देखने को मिल जाएगा। रिवर्स लैंप आपका हैलोजन है, इंडिकेटर आपका हैलोजन, नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट से 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं आपको। और बात करें इसके लोगों की, तो लोगों आपको यहाँ है, और बलेनो की बैजिंग यहाँ पे है। कोई भी इसमें वेरिएंट की बैजिंग आपको देखने को नहीं मिलती, एक छोटी सी नेक्सा की बैजिंग आ जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसा कुछ इसका स्पॉइलर देखने को मिलता है, जो कि रूफ में ही आपका इंटीग्रेटेड है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक बार इसका बूट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको है ना मैग्नेटिक रिलीज स्विच भी देखने को मिलता है बूट के लिए, आप आराम से खोल सकते हो, कोई भी आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। और बूट भी ना इसका काफ़ी अच्छा साइज़ का है, जो मतलब आपको सही ठीक ठाक सामान आपका आ जाएगा। और अगर बात करें इसकी स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको मिलता है फुल साइज़ का, जो आपको बाहर साइज़ देखने को मिल रहा है 185/65 R15 inches का, इसमें आपको वो देखने को मिलता है स्पेयर व्हील। अगर बूट स्पेस की बात करें, इसके कैपेसिटी की बात करें, तो 308 liter का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा आपका सामान कैरी कर सकता है, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी, कोई भी सामान आप चाहे लेके जाओ। तो ये बात होगी इसकी फ्रंट से, मतलब बाहर से इसकी टोटल। पीछे की रियर सीट की बात करें, तो रियर सीट में आपको दिखाऊँ मैं,
यहाँ पे आपको ना वैसे तो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है पूरे डोर पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपहोल्स्ट्री की बात करूँ तो ब्लू आपको इसमें फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी ठीक है ये भी। यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए ग्रिल देखने को मिलेगी, कोई भी स्पीकर वगैरह इसमें नहीं है। स्पीकर क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं है। बोटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, बेस वेरियंट में आपको चारों पावर विंडो देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पीछे की सीट की बात करें तो आइसोफिक्स आपको चाइल्ड सीट माउंट्स देखने को मिल जाएंगे, तीनों ही एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट हैं, यहाँ से आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो, और 60-40 स्प्लिट इसमें आपको सीट देखने को मिलती है। फीचर्स ये कहने को तो मतलब कोई गिनवाते नहीं इन फीचर्स को 60-40, लेकिन ये आपके अगर बूट में आपको कुछ बड़ा सामान लेके जाना है ना तो उसमें आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तीन एड्रेस मैंने आपको दिखाई, तीनों ही 3-pointer सीट वाला आपको देखने को मिल जाएंगी। ग्रैब हैंडल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इनके साथ कोट हुक भी आपका। सीट में कोई भी डोर पॉकेट्स नहीं है, ये कुछ है ब्लैक, इसमें आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते भाई गाड़ी के फ्रंट में, तो फ्रंट में अगर मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी, अगर मैं पहले आपको डोर पैड दिखाऊँ इसका, तो डोर पैड में देखो आपको सेंटर लॉकिंग, मैंने आपको चाबी नहीं है, चाबी में दिखाता हूँ, देखो चाबी इसकी आपकी टॉप मॉडल जैसी है सेम, क्योंकि इसमें लॉक अनलॉक के दो ही फीचर्स आते हैं, तो सेंटर लॉकिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी बेस वेरिएंट से, कोई भी मिरर एडजस्टमेंट की आपको इसमें इलेक्ट्रिकली नहीं देखने को मिलता है। चारों पावर विंडो मैंने दिखाई, चाइल्ड लॉक, सेंट्रल लॉकिंग और जो ड्राइवर विंडो है वो आपको ऑटो अप डाउन देखने को मिल जाएगी। और ORVM की एडजस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी जॉयस्टिक नहीं दे रखी, आपको है ना शीशा खोल के हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने हिसाब से, तो ये मेरे को थोड़ा इनकन्वीनियंट फीचर लगा इसका। बात करें बाकी इधर से तो AC वेंट के राउंड में आपको मैट कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर ही आपको सिल्वर फिनिश भी देखने को मिल जाएगी ग्लॉस में। नीचे आप कंट्रोल्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसी कुछ बात है। और बेस वेरिएंट में अगर आप स्टीयरिंग देखते हो तो इसमें आपको कोई भी कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये एडजस्टेबल है टिल्ट और टेलीस्कोपिक, ये काफ़ी अच्छी बात है। स्पीकर इसमें इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्पीकर नहीं, स्पीकर इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी स्टीरियो इसमें नहीं आता, बेस वेरिएंट है। लेकिन बेस वेरिएंट में एक चीज़ अच्छी है, आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाएगा, ऐसे कौन गाड़ी देती है भाई ये बताओ मेरे को, ऐसा कुछ है। अगर मैं इसको आपको मीटर के फीचर्स दिखाऊँ, ये देखो मीटर इसका आपका टॉप मॉडल जैसा ही है, मतलब बिल्कुल टॉप मॉडल जैसा तो नहीं, बाकी के मॉडल जैसा आपका मीटर इसमें देखने को मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी, उससे एवरेज से रिलेटेड, फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड, रेंज कितनी है, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। बीच में आपको मैंने दिखाया कप होल्डर्स हैं, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। बाहर से अगर आप चाहो तो इसमें स्पीकर और ये सब लगवा सकते हो, आप कंपनी से भी लगवा सकते हो एज एक्सेसरी, वो भी आपको काफ़ी मतलब वारंटी के साथ मिल जाएगा। सनवाइजर की बात करें तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह इसमें कुछ नहीं है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको, यहाँ भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलता, वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं है। डे नाइट इसमें आपको IRVM देखने को मिल जाता है, और जैसे मैंने फ्रॉन्क्स में दिखाया था उसमें भी तीन तरह की फिनिश थी, तो इसमें भी तीन तरह की फिनिश है, ब्लैक है, सिल्वर है, मतलब ग्लो सिल्वर है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, थोड़ी ये नेवी ब्लू नहीं कहेंगे, थोड़ी डार्क ब्लू टाइप ही कहेंगे इसको, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर इसकी बात करते ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स भी आपको ठीक ठाक साइज़ का देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और भाई इसमें जो यहाँ पे एक ना एक कमी मेरे को लगी, यहाँ पे आपको ना कोई भी लैंप देखने को नहीं मिलता, और इसकी क्वालिटी भी मेरे को ठीक ठीक है, लैंप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि हैलोजन रहेगा आपका। ग्रैब हैंडल आपको तीन देखने को मिल जाएंगे, चौथा यहाँ पे ड्राइवर का होता ही नहीं, खैर ये कुछ है। और मैं आपको एक बार इसका वो दिखाता हूँ, इंजन भी दिखा देता हूँ, इंजन भी दिखाते हैं भाई आपको, इंजन की बात करें तो भाई इसमें आपको 1.2 liter का 4-cylinder पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। ये CNG वाला वेरिएंट है, CNG भी आप ले सकते हो कंपनी से, CNG वेरिएंट आता है, जो कि आपको पावर फिगर्स में आपको बताऊं तो 85 या 86 अराउंड इसमें BHP, और टॉर्क की बात करें तो 105 के आसपास इसमें टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये कुछ है। और यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वैसे तो मारुति के इंजन काफ़ी साइलेंट होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने आपको इंसुलेशन दे रखे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बोनट के वेट की बात करें तो पहले से थोड़ा इम्प्रूव है, ठीक ठाक वेट इसमें देखने को मिल जाएगा। और वैसे ओवरऑल गाड़ी के वेट की बात करें तो आपको 950 kg के अराउंड इसका वेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी मतलब वेट कैटेगरी में इसको ला देता है, क्योंकि इनका भी इतना ही वेट है, बाकी मतलब नॉर्मल गाड़ी को इतना ही होता है वेट, 1000 kg के अराउंड। तो सेफ्टी भी आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, 2 airbag भी है इसमें आपके। तो ये कुछ सब इसकी वीडियो, और मैं जैसे मैंने शुरू में बताया था कि प्राइस की बात हम वीडियो के एंड में करें, तो मैं एक बार आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। तो जिसका प्राइस रहेगा, तो प्राइस रहेगा भाई इसका 666,000 रुपीज़।
अगर मैं यही आपको इंग्लिश में बताऊं तो इंग्लिश में हो जाएगा आपका 6,66,000 रुपीज़। और ऑन रोड ये इसका एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आप अपनी सिटी के हिसाब से मेरे को कमेंट करके बता सकते हो गाड़ी बताना आपको कैसी लगी। जिन जिन लोगों के लिए है ये गाड़ी मैं बताता हूँ कौन से लोग हैं, मतलब जिनको एक कंप्यूटर गाड़ी चाहिए कि मतलब उनको ज़्यादा फीचर्स है, मतलब ये नॉर्मल अपना जिससे गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर सकें, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब जिसको फिर फैंसी फीचर्स चाहिए वो इसका ऊपर वाले वेरिएंट ले सकता है, जो कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ थी भाई गाड़ी की वीडियो, वीडियो बताना आपको कैसी लगी, बलेनो गाड़ी आपको कैसी लगी बताना। आपको कोई भी किसी गाड़ी की डिटेल्स लेनी हो नेक्सा के किसी भी शोरूम में से, सॉरी नेक्सा के डीडी मोटर्स वाले शोरूम में से या नरेला में जो है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे या फिर लोकेशन पे आके इंक्वायरी कर सकते हो। तो यही था भाई इस वीडियो में, मिलता है आपसे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।